हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं सारे। सो आई होप एवरीबॉडी इज़ नाउ इंजॉइंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय घर पे बैठ के इंजॉय करने के। सो फॉर टुडेज वीडियो, अगेन इट वाज अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरी स्पेशल समवन, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट फेवरेट फूड, एंड दैट इज़ मोमोज। यस, सो आज आई बी प्रिपेयरिंग मोमोज, पर वो आटे का होगा सो दैट इट कैन बी लिटिल बिट हेल्दी। यार मैदे का भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट आई एम मेकिंग इट इन फ्रॉम आटा एंड आई बी मेकिंग इट इन अ पैन। हमें किसी भी स्टीमर की जरूरत नहीं है, सो दोज हु डोंट हैव इडली स्टैंड और स्टीमर, दे कैन मेक डायरेक्टली मोमोज इन द पैन। सो आई हैव मैंने सोचा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो वो भी बना सके मोमोज, बिकॉज मोमोज इज समथिंग आई नो स्पेशली इन दिल्ली NCR लोगों को तो बड़ी क्रेविंग्स हो रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो इसमें मैंने एक कप आटा लिया है। अगर एक कप आटा लिया है तो 1/4 सूजी लेनी है। सो क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि जितना भी आप आटा ले रहे हो उसका 1/4 आपको सूजी लेना है, ठीक है। सो अभी ये आटा और सूजी मैंने ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एंड 2 चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल डालेंगे। दैट इज इट। अब हम ना ये सारी चीज़ें अच्छे से पहले तो मिलाएंगे अपने हाथों से अच्छे से, कि सब कुछ पहले अच्छे से मिल जाए। सो यू कैन सी कि अभी सब कुछ मिल गया है अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। सो अभी ना हमें इसका सख्त आटा गूंथना है, आई मीन हार्ड। वाई? बिकॉज उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न है इसकी सूजी फूलता है, और दूसरा हम 10 मिनट के लिए जब अपना आटा सेटल होने के लिए छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद ही थोड़ा सा नरम हो जाएगा, बहुत नरम आटा नहीं गूंथना है। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। सो गाइस, अभी इसमें ना मैंने हाफ कप से भी कम पानी डाला है। अब हमें इसको घूटते जाना है। आपको हल्की सी मेहनत लगेगी, 2 से 3 मिनट, बट हमें इसका सख्त आटा गूंथना है, बहुत सॉफ्ट नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो अब यू कैन सी मैंने इसका बहुत ही सख्त आटा गूंथा है। अब हमें इसको ऐसे करके रख देना है, बिल्कुल हल्के गीले कपड़े से इसको हमें ढककर 10 मिनट छोड़ना है। तब तक हम अपनी सब्जियों की प्रिपरेशन कर लेंगे। सो गाइस, अभी मैंने ना सारी सब्जियां कट कर ली हैं। सो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने फाइनली, अब आपको सब कुछ फाइनली चॉप करना है, तो मैंने फाइनली चॉप अनियंस डाला है, थोड़ा सा, थोड़ी सी मिर्च, मेरे पास थोड़ा सा स्वीट कॉर्न था वो मैंने इसमें डाला है। देन मैंने बहुत फाइनली चॉप कैप्सिकम कट किया है, इसमें मैंने ये गाजर ग्रेट किया है, एंड दिस इज़ गोभी। सो आपके पास जितनी भी सब्जियाँ होगी ना, कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सब्जियाँ मैं डाल रही हूँ आपको वही सब्जियाँ डालनी हैं। एंड दिस इज़ थोड़ा सा पनीर, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नाउ आई विल ऐड थोड़ा सा सॉल्ट। अब सॉल्ट हमने अपने आटे में मिला है तो हम इसमें थोड़ा सा ही मिलाएंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, दैट इज इट। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या होता है ना कि जब आप अपनी सब्जी में नमक डालते हो तो उसमें से थोड़ा सा पानी आता है। सो हमें ना बहुत गीला गीला भी नहीं बनाना,
अपने, वरना ज़्यादा पानी हो जाएगा तो हमारा मोमोज फट जाएगा, और हमें बहुत ड्राई भी नहीं बनाना वरना अंदर से मोमो ड्राई रहेगा। तो हम उसको 5 मिनट के लिए साइड रख देंगे ना, साइड में, तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। मीन वाइल जब तक ये सेटल हो रहा है तब तक हम अपनी शीट्स बना लेते हैं। सो यू कैन सी हमारा आटा भी इतने 10 मिनट में हो गया होगा। सो नाउ यू कैन सी हमारा आटा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मुलायम हो गया, तो हम इसको बस 1 मिनट और गूंथ लेंगे हल्का सा। नाउ यू कैन सी कि हमारा आटा भी हो गया है, तो हम अपनी इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं, मतलब दिस साइज बॉल्स, उससे ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बना ली। तो अभी मैं बॉल्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको शीट्स बना के दिखाऊंगी। सो गाइस हम अपना एक छोटा सा बॉल लेंगे। अब मैंने अपने बेलने वाले पे या फ्लोर पे, आपको जहाँ पे भी बेलना है उस पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है, हल्का सा बिल्कुल। नाउ आई विल कीप माय गोल, एंड आपको जो पूड़ियाँ होती है ना उसके शेप की बिल्कुल पतली पतली बेलनी है। सो मेक श्योर कि इसके जो साइड्स होते हैं वो ज़्यादा पतले हैं और जो सेंटर होता है वो कम। सो अभी इसकी हम बिल्कुल पतली पतली शीट्स बेलेंगे पूड़ी की तरह। नाउ दिस इज़ हाउ पतली पतली पूड़ी की तरह आपको बेलना है। अब छोटा बड़ा जितना बड़ा मोमोज आपको बनाना है। सो आई एम मेकिंग इट अ मीडियम साइज राउंड। अब ऐसे करके हम अपनी सारी शिव शीट्स बना देंगे। मेक श्योर कि ये बहुत पतला हो वरना आपको मोमोज खाने में मज़ा नहीं आएगा। सो गाइज वी आर बैक टू आवर वेजिटेबल्स। सो यू कैन सी ये बिल्कुल सही है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया। सो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे मोमोज़ के लिए। नाउ इफ़ यू ईट मोमोज़, अगर आप इसमें एक चम्मच, इफ़ यू ईट मायो सॉरी, अगर आप इसमें एक चम्मच मायो मिला दोगे तो आपका मोमोज़ बहुत जूसी बनेगा। नाउ आई डोंट ईट मोमोज़, सो मैं मायो नहीं मिला रही। सो गाइस ये हमारी पूड़ी हो गई। अब इसमें हम अपना मसाला भरेंगे, थोड़ा सा ही मसाला भरेंगे, और उसको मैंने ऐसे करके स्प्रेड कर दिया है। नाउ यू सी हाउ आई एम डूइंग इट। नाउ यू हैव टू, ये जो है ना दिस वन, इसका ये छोड़ पकड़ना है। यू हैव टू दिस, फिर ये इसको ऐसे मिला दो, ठीक है ना। जहाँ ये ख़त्म हुआ है वहाँ से हमें एक और मोड़ लाते हुए वी हैव टू डू दिस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके फोल्ड करते जाएंगे। सो नाउ वंस दैट इज़ डन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप पूरा फोल्ड करते जाओगे तो वो ऐसा राउंड सा दिखेगा जैसा हमारे मोमोज का शेप होता है। अब मैं 2-4 और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यू कैन सी इट, मैंने यहाँ पे ऐसे 4 बड़े मोमोज बना लिए। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर मी। एक मैंने ऐसे सर्कल साइज बना दिया है, एक मैंने ऐसा बना दिया है, मतलब बाकी 3 मैंने ऐसे बनाए जैसे मार्केट में होता है। आई शो यू वंस अगैन, यू कैन सी। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ ऑल आर मोमोज लुक। अभी हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। सो आई विल शो यू द स्टेप। अभी मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में बना लो, कढ़ाई में बना लो, जैसे मैंने एक पैन लिया। इसमें हम 1 टेबल स्पून के आसपास, आई मीन 1 बिग स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हम उसको गर्म करेंगे। सो अभी ये गर्म हो गया है, इसमें हम अपने मोमोज रखे, ये जो ऑयल है इसको लेते हैं। अब यू कैन मेक एज मेनी नंबर ऑफ मोमोज यू वांट। मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था तो मैंने ऐसे बना लिया। सो अभी इसको हम, ये जो 4 मोमोज है ना, इसको हम हल्का सा 1 सेकंड के लिए बस गोल्डन ब्राउन होने तक कलर आने देंगे। हो गए हैं 30 सेकेंड्स के बाद हम अपना फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यस, हमें डायरेक्टली पानी ऐड करेंगे और इसमें हमने 1/2 कप के आसपास पानी डाला है और अब हम इसको ढक देंगे।
अब इसको ढककर हमें स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पकाना है। आफ्टर दैट आई विल शो यू। नाउ एज यू कैन सी सारा पानी इवेपोरेट हो गया और हमारा मोमोज इज डन। सो मैं गैस फ्लेम ऑफ करके मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस दिस इज हाउ आवर मोमोज लुक। मैंने थोड़ा सा खोल के भी दिखा दिया है कि कितनी अच्छी फिलिंग दिख रही है इसमें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।